जय 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 जय
मैं ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुराग सिख सिंधु वात्सल्य सिंधुर अतिसांद्र कृपायुक्त सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि केल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदय केल सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर्शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु वैष्णव बन गए। वैष्णव बनने पर जितने भक्त लोग बड़े खुश हो गए, बोले अभी जो जितने पाखंडी है सबको पाखंडी का अभी ठंडा कर देंगे उनकी है। प्रभु वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण होते हुए भी महाप्रभु जगत में किस लिए आए? कारण यही है, कैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम को कैसे आस्वादन करती है? इसलिए मेरे स्वरूप में क्या आनंद है, मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण श्री राधा रानी उसका आस्वादन करती है। वो कैसे आस्वादन करती है, राधा रानी का क्या प्रेम की महिमा इसको आस्वादन करने के लिए आए। इसलिए अभी महाप्रभु वैष्णव का आवेश में महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बोले कृष्ण मैं जग देखे निरंतर, जहाँ कहते स्थावर जंगम देखे नादे के तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरितार इष्टतर स्फूर्ति। इसलिए वो स्थावर जंगम कुछ नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, सर्वत्र उनको केवल कृष्ण 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 ही सर्वत्र देखते हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते यही वैष्णव और एक विषयी है, एक विषयी और एक वैष्णव में यही अंतर है। एक विषयी व्यक्ति, कोई एक स्त्री किसी साड़ी दुकान में गई और ढूंढेगी कैसे साड़ी, मेरे को कैसे मैच करके कैसे साड़ी निज शरीर में पहन करके देख करके सामने खड़ी होकर के मैं कैसे लग रही हूँ, है एक व्यक्ति। लेकिन जब एक भक्त है भजन करने वाले जब जाएगी, बोले भैया ऐसे कौन सा साड़ी ले जाए जो राधा रानी को सबसे राधा रानी को पहनने पर राधा रानी को अच्छी लगेगी, वो चीज को देखेगी है। कोई व्यक्ति सब्जी खरीदी करने जाएगी फल खरीदी करने के लिए, हमें कौन सा चीज अच्छा लगता है वो चीज को देखेगा। लेकिन एक भक्त जब जाएगा ना, नहीं ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है, ठाकुर के पसंद के अनुरूप हम फल लेकर के जाएंगे सब्जी लेकर के जाएंगे है। इसलिए एक विषय व्यक्ति जब अपना घर बनाएगा, देखेगा मेरा जो घर है ना ये सबसे सुंदर घर होनी चाहिए, सबसे प्यारा होनी चाहिए, हमारी घर होनी चाहिए। लेकिन सामने बैठ करके ना चुपचाप बैठो। इसलिए लेकिन जब एक वैष्णव बनाएगा ना, वो पहले अपना घर नहीं बनाएगा, किसका घर बनाएगा, किसका घर बनाएगा, सबसे पहले वो देखेगा ठाकुर जी के लिए कौन सा घर बनाए है, ठाकुर जी को कौन सा चीज पसंद है। ठाकुर जी का जो घर है सबसे सुंदर श्री ठाकुर जी का घर हो है, हमारी घर जैसे तैसे हो नहीं हो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की
हैं, ठाकुर जी को कैसे खुश होनी चाहिए। अगर ठाकुर जी खुश हो गए ना, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, ध्यान देकर सुनो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं, जब हम अपना शरीर को सुंदर रूप में सजाओ और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना वो परछाई को सजाने का जरूरत है ही नहीं। अपना शरीर को सुंदर सजा दो ना, परछाई अपने आप सज जाती है। इसलिए कहते मूल कौन है, बोले ठाकुर जी। कौन है मूल? ठाकुर जी। इसलिए सबसे पहले किसको देखो, ठाकुर जी की सेवा कैसे हो रहे हैं, ठाकुर जी कैसे पहनते हैं, ठाकुर जी को क्या भोग लगता है, ठाकुर जी का सेवा पूजा ठीक हो रही कि नहीं है। अगर ठाकुर जी का सेवा पूजा सही सही होना, कहते भैया अगर ठाकुर जी खुश हो तो हम खुश रहेंगे, अगर ठाकुर जी का खुश नहीं होना फिर तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। पहले किसको खुश करो? ठाकुर जी हैं। इसलिए कहते हैं मंदिर में कहीं जो उत्पात, तरह तरह का जो उत्पात देखने को मिलता है, अपशगुण, बोले इसको क्यों अपशगुण देखने को मिलता है, कारण क्या? बोले जब भगवान की सेवा में हैं, ठाकुर जी की सेवा में अगर सही सही नहीं होना, ठाकुर जी को अगर सेवा में कोई त्रुटि हो रहा है, उनका स्नान ठीक से नहीं होता है, भोग नहीं लगता ठीक से, उनको पूजा सेवा में सही नहीं हो रहा है ना, फिर तो वहाँ पर तरह तरह का उत्पात, तरह तरह का दुख कष्ट, तरह तरह का अशांति होने लग जाता है उस स्थान पर। उस स्थान में कभी सुखी कोई रह नहीं सकते, क्यों? ठाकुर जी खुश, ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी खुश नहीं। अगर ठाकुर जी खुश हो ना फिर क्या होगा, है भगवान बोलेंगे देखो हमको इतने बढ़िया बढ़िया खिलाता है, इतने बढ़िया बढ़िया सेवा करता है, ठाकुर जी क्या करेंगे, लक्ष्मी क्या करेगी? अगर लक्ष्मी देखे कि मेरी प्रभु का सेवा बढ़िया कर रहे ना, लक्ष्मी पैसा ला कर छुपा छुपा कर दे जाएगी, क्यों? तो मेरी प्रभु का सेवा कर रहे हो, हैं? लक्ष्मी कुछ राधा रानी किसमें खुश होती है, जब कृष्ण खुश हो राधा रानी खुश हो जाती है, उनका नाम राधिका। राधिका मतलब क्या है, कृष्ण न आराध्यते इति राधिका, वा कृष्णम सम आराध्यते इति राधिका। मतलब क्या है, राधा मतलब होता है विशेष पूर्वक जो कृष्ण को आराधना करती है, विशेष पूर्वक कृष्ण की जो सेवा करती है, वो श्री राधा रानी है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का भावना किया है, हैं? कहते विषय तो चारी तरफ में अपना भोग भोग दिखता है, कोई चीज को देखा ना, हम इसको अगर पहनेंगे तो मेरा शरीर कितना बढ़िया लगेगा, है हम अगर ये चीज हमारा लिए ले जाएंगे तो हम खाएंगे तो कितना बढ़िया होगा, अपना घर का अगर चीज को लेकर सजाएंगे तो कितना बढ़िया होगा। लेकिन भक्त क्या देखेगा, वो चीज नहीं देखेगा, भक्त क्या देखेगा, भैया ठाकुर जी का मंदिर कैसे सुंदर बने, ठाकुर जी कैसे बढ़िया पहने, ठाकुर जी को कैसे बढ़िया भोग लगा, बस कल्याण है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बड़ा विस्तृत टीका, इस विषय पर विस्तृत टीका से प्रभुपाद लिखते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, वैष्णव आवेश महाप्रभु विश्वंभर कृष्णमय जगत देख ही निरंतर। इसलिए महाप्रभु वैष्णव का आवेश, कहते महाप्रभु कहते वैष्णव आवेश, साधु कम हो गया, हरे कृष्ण हरि बोल, ऐसे हरि बोल हरे कृष्ण। इसलिए महाप्रभु वैष्णव का आवेश, हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है हरे कृष्ण। इसलिए महाप्रभु वैष्णव का आवेश में है, महाप्रभु जहाँ जिधर जिधर दर्शन करते उधर उधर केवल कृष्ण 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 कृष्णमय को दर्शन करते हैं। कहते जो कृष्णमय दर्शन करते हैं, कहते भैया ये किसका लक्षण है, तीन तरह का वैष्णव है। कितने तरह का वैष्णव है, कौन कौन है बोलो, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। कहते कनिष्ठ वैष्णव का क्या लक्षण है, अर्चया मे भरे जब पूजाम श्रद्धेयते न तद भक्ते सुचाने सो सबक्त प्राकृतम। इसलिए करे जो अर्चा विग्रह जो ठाकुर जी है, है उनको तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहां से क्या लाओगे, हरे कृष्ण
हरि बोल हरि, हरे कृष्ण हरि कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल हरि कृष्ण हरि बोल। हरि ये चाइना में जितना एक बार खराब हो जाएगा तो अब काम नहीं। हरि बोल हरि कृष्ण हरि बोल हरि, चार चार जीत अच्छे। हरि बोल हरि कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। इसलिए कहते जो जो कनिष्ठ अधिकारी है और अर्चा विग्रह को प्रति तो बड़े आदर श्रद्धा पूर्वक करेंगे, लेकिन नतत भक्ते लेकिन जो भगवान का जो भक्त है ना उनमें इतना आदर नहीं रहता है। जितना आदर उनकी, जितने सेवा की भावना किसको प्रति, श्री ठाकुर जी का प्रति है। लेकिन मध्यम भक्त कौन है बोला, ईश्वरे तद अधिनेशो बालिशेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा विद्या जागृति समर्थम। हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं कहते उनको चार व्यक्ति का प्रति चार ही तरह का उनको व्यवहार है। इसलिए कहते जो मध्यम अधिकारी भक्त है कहते वो जितना उनका प्रीति ममता ठाकुर जी का प्रति है उससे ज्यादा वैष्णव का प्रति, उनका ज्यादा वैष्णव का प्रति। क्यों कहते जो जीवन तो जो भगवान का निवास कहाँ पर है, भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास होने का नाते वो जितने ठाकुर जी को है जितना सेवा में जितना ध्यान उससे ज्यादा वैष्णव का ध्यान। इसलिए हमने देखा था हमारे गुरुदेव रथ यात्रा का समय पे है कलकत्ता से फूल आया था रजनीगंधा फूल और गुलाब और बड़े सुंदर सुंदर माला बनाया था। और एक माला बनाने के लिए ना एक घंटा दो घंटा लगता है। अभी राधा कृष्ण महाप्रभु तीनों के लिए तीन मोटी मोटी माला बनी हुई थी, हम मोटे मोटे माला बने थे और जो वैष्णव लोग बनाए थे तो हमने देखा एक एक माला बनाने के लिए एक एक दो दो घंटा लगता है। और बनाया था राधा कृष्ण महाप्रभु तीनों ठाकुर के लिए तीनों, लेकिन था रथ यात्रा का समय पर गुरुदेव सामने बैठे हुए थे। इतने में कुछ वैष्णव लोग हमारी मंदिर दर्शन करते हुए आते ना, सब मंदिर मंदिर दर्शन करके जाते हैं। कुछ वैष्णव लोग आए मंदिर दर्शन करने के लिए आए तो जो सन्यासी लोग थे ना वो माला को गुरुदेव ने क्या किया ले करके सब सन्यासियों को माला दे दिया। मैं तो नया नया था, मैंने कहा ये क्या कर दिया, इतने कीमती माला आया कहाँ से, फूल कलकत्ता से आया पूरी तक बहुत कष्ट से फूल लाए हमारे मंदिर में ठाकुर को सेवा में है तो सेवा के लिए बड़े जत्न पूर्वक करते हैं। और बनाया एक एक डेढ़ घंटा दो दो घंटा लगा एक एक माला बनाने के लिए। और वे ठाकुर के लिए लगा था ठाकुर को पहनेंगे, लेकिन ये दे दिया, ये सन्यासी को दे दिया। मेरा मन तो बड़ा खराब हो गया, हमने इतना कष्ट करके बनाया ठाकुर जी के लिए। हाँ इस समय तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब फिर सुना जो मध्यम अधिकारी का भक्त का क्या लक्षण है, वो जितने ठाकुर जी को है ठाकुर जी को जितना प्यार जितना प्रेम उससे ठाकुर को सेवा से ज्यादा वैष्णव सेवा को उतना ज्यादा महत्व देते हैं, महत्व देते हैं। इसलिए और यहाँ पर कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु वैष्णव का आवेश में क्या देख रहे हैं, स्थावर जंगम देख नाते के तार मूर्ति सर्वत्र स्फुट फुरेदार इष्ट देव मूर्ति। इसलिए सर्वत्र उन्होंने केवल कृष्ण सेवा की विषय और सभी का हृदय में कहते तो उत्तम अधिकारी का क्या लक्षण है, क्या बोलो क्या है बोला, सर्वभूते सुजापश्यति भगवत भावात्मा। इसलिए कहते उत्तम यहाँ पर प्रभुपाद ने पता नहीं कहाँ से श्लोक को उन्होंने कहाँ से श्लोक को उन्होंने उतार उतार करके यहाँ पर श्लोक दिया है। कहते उत्तम जो वैष्णव है इनका क्या क्या लक्षण है। इसलिए जो भक्तों का जो हर जीवन के हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं भगवान में भी सब जीवों को दर्शन करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में आविष्ट होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्णमय जगत देख निरंतर, हर समय कृष्ण 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 छोड़ करके जगत में और कुछ उनको दिखता ही नहीं, जैसे श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उनका एक नाम है श्यामा, क्या नाम है
श्यामा इनका नाम, कृष्ण का नाम श्याम, राधा रानी का नाम श्यामा। श्यामा मतलब क्या? हर समय जो श्याम, श्याम रंग कौन सा रंग है? जो श्रृंगार रस है उसको भी श्याम रंग कहते हैं। इसलिए हर समय में जो कृष्णमय, इसलिए देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमय सर्वकांति सन्मोहिनी परा। इसलिए सर्व उसमें जो क्या इसमें बता रहे, देवी कृष्णमय, कृष्णमय मतलब कृष्ण जहाँ बाहर भीतर, जहाँ नेत्र स्फुरे पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। इसलिए जैसे श्रीमती राधा रानी सर्वत्र कृष्ण 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 दर्शन करती है, महाप्रभु भी सर्वत्र केवल कृष्ण कृष्ण ही दर्शन करते हैं। बोले अहर्निश श्रवणे सुनाए कृष्ण नाम, बदने बोले कृष्ण चंद्र अभिराम। हर समय में केवल कृष्ण नाम करते हैं मुंह में, और बदन में बोलते भी कृष्ण नाम, सुनते भी कृष्ण नाम है। हर समय कृष्ण चिंता में ही महाप्रभु डूबे रहते हैं। बोले जे प्रभु अचिला भोला महाविद्या रसे, एबे कृष्ण बिनु आर किछु ना वासे। महाप्रभु पहले क्या करते थे? विद्या रस में, विद्या विलास, हाँ लीला में महाप्रभु डूबे हुए थे। विद्या छोड़कर कुछ नहीं जानते महाप्रभु हैं। हर समय विद्या पढ़ाते पढ़ाया करते थे, दूसरों को पूछते थे, लेकिन वही प्रभु अभी क्या कर रहे हैं? कदा भी कृष्ण को छोड़ करके और कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है। कहते पढ़ुआर वर्ग सब अति उषा काले, परिवार निमित्त आशीला सब मिले, पढ़ाई थे वैसे किया त्रिजगत राय, कृष्ण बिनु किचुआर ना आए से जीवाए। इसलिए महाप्रभु जो गया में से आए, अभी वो हो गए अभी भावुक निमाई है। महाप्रभु क्या बन गए? भावुक निमाई, भक्त निमाई बन गए। इसलिए महाप्रभु जब सवेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, बच्चों को है उस समय में उनको जुहा में भी कृष्ण को छोड़कर और कुछ उनको जुहा में आता ही नहीं। आता हो तो क्या आता है? केवल कृष्ण ही कृष्ण आता है। बोले सिद्ध वर्ण वर्ण समान न्याय, बोले शिष्य गण प्रभु बोले सर्व वर्णे सिद्ध नारायण। कहते कला व्याकरण पढ़ चंद कला व्याकरण, इसलिए कहते कला व्याकरण का जो पहला सूत्र है, कहते सिद्ध वर्ण समान न्याय है। जब पहला श्लोक ये सूत्र को उच्चारण करते हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु बोले सर्व वर्ग सिद्ध नारायण है। जितने वर्ण है ना, सर्व वर्ण किसको लक्ष्य करता है? केवल नारायण को लक्ष्य करता है। इसलिए जीव गोस्वामी जब हरिनामृत व्याकरण उन्होंने रचना किया ना, वो पहला जो सूत्र है नारायणाद उद्भूत अयम वर्ण क्रम। कहते जितने वर्ण और जो क्रम है वो कहाँ से उद्भूत हुआ है? कहते भगवान श्री नारायण से ही ये सारे वर्ण, उसका जो क्रम है अग बाद में आ के बाद में ई, ई के बाद में बड़ी ई, कहाँ से सबके सब प्रकट हुआ? भगवान से ही, ये सबके सब भगवान से ही प्रकट हुआ सबके सब है। इसलिए कहते सिद्ध नारायण है। शिष्य बोले वर्ण सिद्ध हैल कमने, ये वर्ण सिद्ध कैसे हुआ? प्रभु बोले कृष्ण दृष्टि पात्र कारण वर्ण तभी सिद्ध हुआ है। बोले कृष्ण का दृष्टि से ही जब भगवान ने देखा है ना, तभी ये वर्ण तभी सिद्ध हुआ है। शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या करो है। अभी सब बात को कृष्ण 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 बोल रहे हैं, अभी शिष्य बोले पंडित जी क्या बोल रहे हो? अरे ठीक ठीक तो बोलो है, ठीक ठीक से बोलो। प्रभु बोले सर्वक्षण कृष्ण स्मरण, इसलिए क्या करो? हर समय में कृष्ण ही स्मरण करो, कृष्ण छोड़कर और कुछ स्मरण मत करो। कृष्ण रे भजन कही सम्यक आमनाय, आदि मध्य अंत कृष्ण भजन बुझाए। इसलिए कृष्ण रे भजन कही सम्यक आमनाय, कहते कृष्ण जो आमनाय मतलब गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा में क्या बोलता है? कृष्ण है तो चतुर्मुख है, कृष्ण सेवन मुख। सर्वप्रथम बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच ग्रियाणम गदितम मया। सर्वप्रथम भगवान ही ब्रह्म दिव्य ज्ञान को सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी किसको दिया? बोले नारद जी को दिया। नारद जी व्यास देव को दिया। व्यास देव जी श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव श्री सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी श्री सौनकादि ऋषि,
इसलिए कहते हैं ये जितने आमना जो गुरु परंपरा है ना, कृष्ण भजन को छोड़ कर और कुछ बोले ही नहीं। सब कुछ तक गुरु परंपरा द्वारा कृष्ण भजन ही आया जगत में सबके सब। इसलिए आदि मध्य अंत कृष्ण भजना बुझाए, इसलिए आदि अंत और बीच में सब जगह में कृष्ण को छोड़कर और कुछ बताया ना। इसलिए प्रभुपाद है, प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कितना वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा उसके बाद अद्यावंते च मध्य च हरि सर्वत्र कियते। इसलिए जितने वेद पुराण उपनिषद हैं, वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा हैं, सारे ग्रंथ में आदि अंत और बीच में हैं हरि सर्वत्र कियते। इसलिए जस्मिन शास्त्र पुराण वा बोला हरि भक्ति नर्दिश्यते। उसके बाद में ये दो श्लोक ना याद करना, श्रवण एवं नैव कर्तव्य यदि ब्रह्मा स्वयं बते। कितना बड़ी बात यहाँ पर बताए हैं। इसलिए जस्मिन शास्त्र पुराणे वा, जिस शास्त्र पुराण में हरि भक्ति है ही नहीं, कहते श्रोतव्य नैव कर्तव्य, कहते वो शास्त्र को हमें सुनने का कोई जरूरत नहीं। कहते अगर ब्रह्मा भी क्यों स्वयं नहीं बोले, कहते भैया वो शास्त्र को मत सुना कर क्यों, उसमें भगवान की भक्ति के बारे में उसमें है ही नहीं है, है? ये कौन से पुराण का होता है? सर्व सचाह हृदय सन्निविष्ट लोग प्रभुपाद है, बड़े बहुत बड़े व्याख्या प्रभुपाद कहते हैं है, सर्व सचा अहम हृदय सन्निविष्ट, इसलिए मैं ही सभी का हृदय में बैठा हुआ हूँ। स्मृति ज्ञान अपहनन च, बुद्धि वृत्ति को अगर कोई नष्ट करता है, मैं ही हृदय में बैठा करके सद्बुद्धि भी देने वाला मैं हूँ और दुर्बुद्धि देने वाला भी मैं सबको। इसलिए कद वेदेश सर्वम अहमेद वेद्य, इसलिए वेद का जो प्रतिपाद्य विषय कौन है, कद मैं हूँ। और वेदांत का जो प्रतिपाद्य विषय कौन है, बनाने वाले कौन है, कहते मैं हूँ। इसलिए सब शास्त्र का जो मूल है कौन है, कहते मैं ही सब कुछ करने कराने वाले मैं ही हूँ जगत में। इसलिए आमी सर्व वेदा वेद वेद्य भगवान वेदांत समस्त वेदांत करता एवं वेदांत बीत कौन, कहते मैं ही हूँ। इसलिए बोले जम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तवंति दिव्य स्तवई वेदई सांग क्रम उपनिषदि गायंती जत सामगा ध्याना बस्तित तद गति न पस मनसा पश्यन्ति जत जोगिनम जस्यांतम न विदु सुरा सुन गणा देवाय तस्मै नमः। इसलिए यहाँ पर श्री सोनकाद ऋषिगण प्रति श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं, कहते अर्थात ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र रुद्र मरु हैं, कहते दिव्य स्तव जार स्तव करें, कहते जिनको ब्रह्मा शंकर नारद सबके सब इनकी स्तव करते हैं, कहते जितने वेद उपनिषद क्या करते हैं, सबके सब जिनकी गुणगान करते हैं, और बड़े बड़े ऋषि लोग भी जोगी लोग भी जिनको ध्यान करते हुए हृदय में जिनको दर्शन करते हैं, इसलिए बड़े बड़े देवता लोग भी जिनका अंत नहीं पाते हैं, ऐसे श्री भगवान कृष्ण को हम सबके सब कृष्ण के चरण को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर स्थापन करना चाहते हैं आदि मध्य और अंत सर्वत्र क्या, किस चीज को स्थापन करने चाहते हैं, केवल कृष्ण को ही स्थापन करते हैं। बोले सुनिया प्रभु रो व्याख्या हासे शिष्य गण केह बोले है न बुझी वायु रो कारण। अभी जितने महाप्रभु का शिष्य लोग थे ना, अभी महाप्रभु जब सब चीज को कृष्ण 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 दुनिया को बनाने वाले कृष्ण और जगत को हैं सब कुछ करने वाले कृष्ण ही है, जब बोल रहे थे कुछ शिष्य लोग देवता लोग भी वैष्णव को पहचान नहीं पाते हैं। वैष्णव चिन्हित नर देवरे सकति, जैसे हम श्री हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को देखो और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखो और एक थे श्री बंसी दास बाबा जी महाराज, उनको देखेंगे तो साधारण लोग उनको पागल ही समझेंगे। बंसी दास बाबा जी महाराज तो एकदम पागल जैसे बैठते थे, उनको कोई नहीं पहचाने हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद केवल उनको समझे हैं, प्रभुपाद उनको प्रभुपाद समझे।
गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं, कहते हैं ये इनका जीवन अद्भुत जीवन है, पाग इनका मूर्ति देखो कैसे बैठे हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मूर्ति देखो कैसे एकदम पागल जैसे हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब वो भावावस्था कि साधु का हृदय में आए ना, उनको समझना बड़ा कठिन है उनको। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं हमारे विषय पागल बोलिया अंगे ते दिवे के धूल, बोले ठाकुर कब ऐसे दिन होगा जो मेरे को लोग पागल समझ करके हमारे शरीर पर धूल को झोंके हैं, धूल झोंके। इसलिए भक्तों को पहचानना बड़ा सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का समय में जो लोग महाप्रभु के पास में हैं पढ़ रहे हैं, वो लोग भी महाप्रभु को ये व्याख्या को सुनकर क्या कह रहे हैं, लगता है थोड़ा वायु रोग से याद हो गया है, इनका सर पर से वायु चढ़ गया है, हैं। इसलिए इसलिए उसी समय में भी महाप्रभु को पहचान नहीं पाए हैं नहीं। इसलिए बोले प्रेमा जन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो विलोकयति, भगवान को कौन जान सकता है, बोले वही जान सही जाने जा रहे देव जनाए जानाति तत्व भगवत महिमनम नचान चिरम अपि चिरम विचिन्नम। इस श्लोक याद है ना, अथापि देव पदाम हो जाते है। इसलिए उनको वही पहचान जान सकते हैं भगवान जिसको कृपा करके उसको जनाते हैं, नहीं तो भगवान को नहीं जान सकते हैं। सख्यात महाप्रभु जिनको पढ़ा रहे हैं वो महाप्रभु कह रहे हैं शायद कोई वायु रोग है, कोई वायु रोग है। इसलिए शिष्य वर्ग बोले एबे केमते बाखान, प्रभु बोले जन है शास्त्र प्रमाण। शिष्य लोगों ने फिर पूछा बोले गुरुजी आप कैसे व्याख्या कर रहे हो, सब कृष्ण 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 सब बोल रहे हो, इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बोले चिन्ह है शास्त्र प्रमाण, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में जो बताया है वही बात को मैं बोल रहा हूँ। प्रभु बोले यदि नहीं बुझाए एकने बिकाले सकल बुझाए वो भालो मने, अभी घर में जाओ अभी घर में जाओ, अगर मेरे बात को समझ नहीं पा रहे ना शाम को फिर आइयो, फिर अच्छे तरह से मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। आमी हो बिरले गिया बसी पुति चाही बिकाले सकल जेन एही एक है एक ठाई, सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व शिष्य गण कौतुके पुस्तक बांधी करी लागवन, सर्व शिष्य गंगादास पंडित रे स्थाने कहिले न जत सब ठाकुर बखाने। अभी शिष्य लोग अपना पुस्तक पोथी को बांध करके अपना अपना घर में गए और जाकर कहाँ पर गए, गंगादास पंडित के पास में हैं। गंगादास पंडित कौन है, महाप्रभु का जो गुरु जी थे, महाप्रभु का जो गुरु जी थे, ये पूर्व जन्म में कौन थे बोलो कौन थे, कहते ये शांति बने मुनि हैं, जो कृष्णा कृष्ण जिनके पास में जाकर के विद्या अध्ययन किया है वही शांति बने मुनि ही अभी महाप्रभु लीला में ये गंगादास है। अभी जितने शिष्य लोग जाकर के गुरु जी के पास में शिकायत किया है ये निमाई क्या पढ़ा रहा था है, इसलिए एबे जतो बाखाने निमाई पंडित शब्दो सने बाखाने न कृष्ण समीहित, गया हित जावत असी आछे घरे तदवति कृष्ण व्याख्या नाही स्पुरे। जब से ये गया से वापस आए कदी ये महाप्रभु तो कृष्ण नाम को छोड़कर और कुछ बोलते ही नहीं है, और कुछ बोलते नहीं, कभी कृष्ण कीर्तन में हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हैं। इसलिए प्रति शब्द में धातु सूत्र सबके सब कृष्ण परक ये व्याख्या करते हैं। जब सबके सब जा करके उनको पास में सबके सब उनको पास में शिकायत किया, इतने में श्री महाप्रभु जब अपना गुरु जी को दर्शन करने के लिए गए, गुरु जी के चरण में प्रणाम किया तो गुरु जी ने समझाया बोले निमाई बड़े भाग्य से कोई बच्चों को विद्या दान देते हैं, बड़े भाग्य से, इसलिए तुम्हारी वंश में कितने बड़े बड़े पंडित हुए हैं, तुम्हारे पिताजी भी बड़े विद्वान थे और पिताजी के पिताजी भी बड़े विद्वान थे, इन लोगों ने भी बच्चों को विद्या दान किया है। जगत में बहुत चीज बड़ा बहुत चीज बड़ी बड़ी चीज दान देते हैं लेकिन सबसे बड़ा दान विद्या दान, ये कोई साधारण दान है नहीं, जो विद्या दान ये बहुत बड़ा दान, तुम्हारी वंश में सबके सब विद्या दान किए हैं, इसलिए ये विद्या दान सबसे बड़ा दान, और इसको द्वारा ही अगर इससे अगर कृष्ण भक्ति नहीं होता तो फिर उन लोगों ने
तुम्हारी परंपरा में सबने सब विद्यादान क्यों दिया? इसलिए बेटा इसी से ही भगवान संतुष्ट होएंगे, इसलिए तुम विद्यादान दिया करो। जब गुरु जी ने इस बात बताए, श्रीमन महाप्रभु फिर जब आए ना, महाप्रभु तो एकदम आवेश में आ गए हैं। आवेश में आकर के महाप्रभु कहते हैं, जगत में ऐसे कौन व्यक्ति जो मेरे व्याख्यान को खंडन कर सकते हैं? बच्चे लोगों ने शिकायत कर दी ना गुरु जी के पास में, ये क्या जब से आए तब से कृष्ण 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 बोल रहे हैं। इसलिए महाप्रभु चैलेंज देते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर बताया बोले धातु, अभी आगे आप लोग धातु पढ़ोगे ना, भवती भवत भवती है भवसी भवत, उसको पढ़ोगे धातु रूप है। कहते ये धातु सिद्ध है, लगे मत धातु क्या है? तो यहाँ पर महाप्रभु व्याख्या कर धातु क्या है, तो धातु रूप भगवान कृष्ण ही शरीर में बैठे हुए धातु रूप में है। जब यही शरीर है, लेकिन शरीर से धातु निकल जाए तो बस मरा शरीर, मर शरीर मृत हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, एक व्यक्ति कब तक जिंदा रहे, बोले चलिए शरीर में जब तक धातु तब तक जिंदा रहेगा, धातु रूप में भगवान ही बैठे हुए। जिस शरीर को राजा जैसे, जिस शरीर को इतना सुंदर श्रृंगार करता है, स्नान करता है, शरीर को इतना सजाते सजाते, वही शरीर है। लेकिन जो धातु रूप में भगवान बैठे हुए, शरीर से निकल जाए पर शरीर को पूछते हैं, जो शरीर को स्नान करके स्पर्श करते थे, अभी स्पर्श करके उसको स्नान करना पड़ता, बोले क्यों? बोले धातु रूप में तो कृष्ण शरीर में बैठे, और कृष्ण ही जब शरीर से चले गए फिर उस शरीर को छू करके हमके स्नान करना पड़ता है। इसलिए धातु रूप में कौन बैठे हैं? भगवान बैठे ठाकुर जी हैं। इसलिए संधि हैं, संधि अभी कुछ दिन बाद में संधि पढ़ोगे। संधि मतलब क्या, जैसे अ आ मिल करके, आ मिल करके आ होता है, हैं? मिल करके आ होता है। इसलिए कतरी संधि क्या है, बोले तेन में कृष्ण पदाब्जे मन संधि विधियते। इसलिए संधि होता है जब दो चीज मिल करके संधि बनता है। दो चीज बोले, एक चीज क्या, बोले एक चीज हमारी मन है और दूसरा चीज भगवान के चरण है। जब ये मन है, जब ठाकुर जी के चरण में लग जाएगा, बस यही अगर जीवन में एक संधि सीख लिया तो जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगा, तुम्हारे जीवन तुम्हारी सार्थकता हो जाएगा। संधि रूप में कौन है, बोले भगवान ही संधि रूप में भगवान है। इसलिए संधि करना तो किसको साथ में करो, केवल भगवान को साथ में करो। इसलिए महाप्रभु एकदम आवेश में आकर के चैलेंज देते हैं, कौन आकर के मेरे व्याख्या को खंडन कौन करेगा है। इतने में एक भक्त ने क्या किया, बड़ा सुंदर एक श्लोक उन्होंने पाठ किया, बोले श्यामम हिरण्य परिधि बनमालवरः धातु प्रबाल नट वेश मनोव्रतांसे भिन्नस्त हस्त मितरेण धुनाब्जम अब्जम कर्णोत पलालक कपल मुखाब्ज हासम। जो एक भक्त ने ये श्लोक को उन्होंने पढ़ा, महाप्रभु तो ये श्लोक को सुनते ही उनको पूरा कृष्ण 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 याद आया, और महाप्रभु उसको सुनते ही वहीं पर महाप्रभु बेहोश हो गए। कहते ये श्लोक किसका श्लोक है, इसलिए कहते ये श्लोक है, कहते ये द्विजो पत्नियों का ये श्लोक है। बोले कब ये श्लोक को पढ़े, बोले जिस समय कृष्ण गोचारण करते करते भातृवल में पहुंचे, उसी दिन घर से कोई भोजन नहीं लिए, सखा अनखा कन्या पेट में चूहे कूद रहे हैं, चूहे कूदना समझता हूँ, बड़े भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते। बोले चिंता क्यों करते हो, एक काम कर जाओ, ये पास में ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और वहां पर जाकर के हमारी कृष्ण बलराम हमारा दोनों का नाम लेकर कुछ मांगना जरूर देंगे। लेकिन जब वहां पर गए, कृष्ण बलराम का नाम लिया, कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, भूखे हैं, उनको कुछ भोजन दो, वो सुनकर ना अनसुना कर दिया, वापस आ गए। बोले कृष्ण तू क्या बोल रहा था, तेरे नाम लेने पर कुछ भोजन देंगी, हम तो तुम्हारे नाम को बोले लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुने हैं, पर नाम सुनते हुए भी नहीं सुने। तब इतने में फिर उन्होंने बोले, बोले एक काम करो, उनकी पत्नियों के पास में जाया करो। बोले क्या बोल रहे हो, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी हाँ एक वेदी सबके सब इतने वेद वेदांत सब पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, ये लोग तुम्हें समझे नहीं, और तुम कह रहे हो उनकी पत्नी को पास में जाओ जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, हैं? जिनकी वेद में पढ़ने भी जिनका अधिकार है ही नहीं, और अपवित्र रहती है हर समय माताएं,
कहते उनको पास में जाकर के मांगो यही देंगे। भगवान ने कहा देखो जो भिक्षा मांगते हैं ना, यहाँ पर कृष्ण बहुत अच्छी शिक्षा दिया, जो भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति है कभी उनको उदासीन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक घर में गए और दिया नहीं, अरे गए तो दिए नहीं, दूसरा घर देगा, उसके लिए उदासीन नहीं होनी चाहिए। क्या करो, दूसरे घर में जाओ, तीसरे घर में जाओ, कोई तो कुछ देगा। इसलिए देखना है कहीं कहीं आदर। मथुरा में जो भिक्षा में कौन मथुरा में भिक्षा में गए, हटा भिक्षा में गए हो, कोई भी भक्त घर में बैठा करके हैं, बढ़िया बढ़िया गर्म गर्म पकौड़ा खिलाएंगे, बड़े लस्सी भी लाएंगे, गर्मी का समय जाए तो कोई सेवा करते हैं, हैं? बड़े आदर करते हैं किसी किसी घर में, हैं? इसलिए इसलिए कोई आदर देगा, कोई अपमान करता है, हैं? इसलिए जो भिक्षा मांगने वालों के लिए, इसलिए आदर और जो उनकी जो अपमान, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी भिक्षा मांग सकते हो। इसलिए जाओ उनको, पत्नी को पास में जाओ, देखो जो भक्ति है ना, जो भक्ति है ये किसी क्वालिफिकेशन होगा तभी भक्ति होगा, ऐसे नहीं। भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, भक्ति वो स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जैसे भगवान उनकी भक्ति भी ऐसे कहीं भी भक्ति प्रकट हो सकती है। इसलिए उनकी पत्नी को पास में जाओ। बोले ठीक है। जब गए इतने में सचमुच से जब गए ना, दूर से उन लोगों ने देखा, उनको पत्नियां घर में तो काम कर रहे थे हाथों में, और मुंह से जय जसो मति नंदन ब्रज भर नागर गोकुल जनकान गोपी परायण काम कर रहे हाथों में, लेकिन मुंह में कृष्ण का नाम ले रहे थे। सखा ने कहा कन्या तो सही बोल रहा था, उनका पत्नियां तो बड़े भक्त हैं, उनका पत्नियां तो भक्त हैं, देखो दूर से सुना उनकी पत्नियां कितना सुंदर, हमारे कन्या का नाम ले रहे हैं, जरूर ये देंगे। वहां पर जाकर के बोले कृष्ण बलराम ये पास में आए हैं, भूखे हैं, उनने को जो भोजन भोजन मंगवाया, यज्ञ पत्नियां नहीं कहते, मथुरा की जो पत्नियां थी वो बड़े दिनों से उनको आस लगा करके बैठी हुई थी, कब कृष्ण बलराम दर्शन करें। बोले क्यों, उनने जब सुना कृष्ण 6 दिन में पुतना को मार दिए हैं, और उन्हें 1 महीना में उन्होंने संकटासुर को, 3 महीना में त्रिणावर्त, 4 साल में बकासुर अघासुर, 5 साल में काली नाग गिरिराज उठा लिया, ये सब सुन सुन कर ना वो तो इतने उतावला हो रहे थे, इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा बड़ा काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये कंस का डर से कोई जा नहीं पा रहे थे, लेकिन जब सुना है यहाँ पर कृष्ण बलराम आए हैं, कहते जितने यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ है जितने सब बना बना कर रखे थे ना, सबके सब ले करके जैसे एक नदी समुद्र में मिलने के लिए चलती है, उसी तरह वो सबके सब चल पड़े है, सबके सब चल पड़े। जब चल पड़े किसने जाकर के पतियों को बोल दिया, बोले तुम लोग ये यज्ञ के लिए जितने हाँ मालपुआ पकवान सब बना के रखे थे ना, तुम्हारी पत्नियां तो ये जो कृष्ण को खिलाने के लिए लेकर जा रही। बोले क्या, यज्ञ के लिए बनाया था उसको कृष्ण को खिलाने के लिए ले जा रहे। बोले हाँ, सब के सब चोटी खड़े करके भागे, चोटी खड़े करके भागे। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले कृष्ण को खिलाने के लिए। बोले खबरदार, घर से निकलोगे ना, घर से घुसने नहीं देंगे, सब टांग तोड़ देंगे, खबरदार घर से निकलना नहीं। लेकिन मना करने पर भी बोले हम जरूर जाएंगे। बोले अगर घर से बाहर निकलोगे तो घर में घुसने नहीं देंगे, बोले तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, हम तो कृष्ण को पास में रहेंगे, कृष्ण को पास में रहेंगे। इसलिए अभी भी ना, जब मथुरा में भिक्षा में कर गए, मैं जाता था, वो चौबे पड़ा है ना, जो चौबे लोग जहाँ पर ब्राह्मण चौबे, उनको घर में मैं भिक्षा में जाता था, है सचमुच से चौबेले को तो इतना कष्ट करके कमा कमा करके लाते हैं। लेकिन तुम लोग जो घर में भिक्षा, मथुरा में कौन कौन भिक्षा में गए, हाथ उठा तो, कौन कौन भिक्षा में गए, सबके सब गए ना, देखना वहां पर भिक्षा देने वाले कौन है, कौन भिक्षा देते हैं, कोई पुरुष नहीं देता है, कितने कौन देते हैं,
सब माताएं देती, सारे माताएं थाली में सजा सजा करके हैं, दाल चीनी पैसा आटा सब सजा सजा करके, सब सजा सजा करके अभी भी उनको अंदर में भी ना, इसलिए चौबे का दिन माताएं वहां की जो चौबेनिया, हाँ सचमुच से हमारे जो मदन मोहन को घर में रहते थे, मदन मोहन ठाकुर जी रहते थे, वो मानते थे मदन मोहन मेरे एक बेटा है, वो मानते थे मेरे दो बेटे हैं, एक मदना एक सदना, हैं मदन मोहन को बोलते थे ये मदना है और अपना बेटे को कहते सदना, ठाकुर जी उनके गोद में बैठ करके खिचड़ी खाते थे ठाकुर जी, हैं ठाकुर जी खाते थे, इसलिए हमारे गोस्वामी लोग हैं ना उनके घर से माधुकरी, गोस्वामी लोगों ने माधुकरी करके खाया हमारे गोस्वामी लोगों ने इनके घर से, अभी भी इनके अंदर में भक्ति दिखाई पड़ती, चौबीन लोग हम चाहते थे हमें भिक्षा देते थे, अच्छी अच्छी भिक्षा देते थे, इतने भिक्षा हम तो लेने एक घर में रख करके फिर वहां से फिर जाते थे, फिर दोनों को मिला करके रिक्शा करके फिर वे मथुरा मठ में भिक्षा लाते थे, इसलिए अभी भी चौबीनिया जितने जितने अभी भी तुम कहीं भिक्षा करने के लिए जाओ ना किसी घर में भी, देखना पुरुष लोग जितने देते हैं उसे ज्यादा देने वाले स्त्रियां, ज्यादा देने वाले माताएं देने वाले भी किया जाता, माताएं देती नवद्वीप परिक्रमा में कितने पुरुष कितने माताएं आती हैं बता, तीन भाग माताएं आती हैं एक भाग पुरुष आते हैं, वृंदावन परिक्रमा में देखना माताएं कितने आती पुरुष कितने आती है, ज्यादा माताएं हैं भक्ति में पुरुष से ज्यादा माताएं भक्ति में, कहीं भी कथा हो देखना कितने पुरुष और कितने माताएं आती है, देखना माताएं ज्यादा करके ये माताएं आती है कथा में जितने, इसलिए बच्चों को जन्म किसी ने दिया माताएं जन्म दिया ना तभी था हरे कृष्ण, इसलिए अभी भी इसलिए उन्होंने गए और जब वहां पर गए तब उन्होंने देखा हाँ कृष्ण को, उन लोगों ने कृष्ण को दर्शन जब किया तब वो कहते हैं ये जो श्लोक है हाँ, उसी समय में कहते ये यज्ञ पत्नियों ने कृष्ण का रूप दर्शन करते हुए श्लोक को कहते हैं, बोले श्यामम हिरण्य परिधि बनमाल वरहा है, कहते कृष्ण कैसे बोले श्यामम, कृष्ण देखने में श्याम रंग के, बोले कृष्ण श्याम रंग के क्यों, चलो विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं कृष्ण ये श्याम रंग कारण क्या है, बोले श्याम ये इसलिए कृष्ण श्याम रंग है, कहते जैसे है ब्रह्मा भी जब स्तुति करते हैं वो भी कृष्ण को ने श्याम रंग रूप में वर्णना करते हैं, कहते पहला नंबर है जो काला रंग है ना, कहते ब्लैक इज द नो कलर, काला रंग को कोई कलर नहीं मानते, इसलिए भगवान अप्राकृत दिव्य है, इसलिए उनका स्वरूप को कोई जगत का कोई कलर से उनका शरीर को तुम तुलना नहीं दे सक कर सकते हो, इसलिए कहते बहुत सारे रंग मिलाओ और उसका अंदर में देना अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा काला रंग मिला दो वो सारे रंग को अपना बना देता है, सब काला ही काला दिखता है, इसलिए कहते काले रंग के ऊपर में ना कोई रंग नहीं चढ़ता है, इसलिए तुम लोगों के अंदर में काला रंग की थोड़ा छीटा बड़ा लग गया ना सारा दुनिया छुड़ा कर घर ले आए मंदिर में, वो कृष्ण कथा ऐसे है, कृष्ण कथा ऐसे है, इसलिए कृष्ण एक तो पहले काले कहते श्याम श्याम रंग का, दूसरा बताए कहते भगवान का जो मेघ है उसका रंग है श्याम रंग है, उनका रंग श्याम रंग है, कहते ये श्याम रंग क्यों, ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु, बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, ताऊ भैया की, इसलिए कहते जो ब्रह्मा जी कहते हैं श्यामम हिरण्य परिधि, ब्रह्मा भी कहते हैं नव मिद्यते अब्र भभु से तड़ी तंबराय, वहां पर भी भगवान का रंग अंग को उन्होंने तड़ी तंबराय है, इसलिए वहां पर भी कहते हैं भगवान का रंग श्याम रंग, बोले श्याम रंग क्यों देते हैं, विश्वनाथ चक्र दो तीन मीनिंग उसमें बताते हैं, पहला बताए कि जब बारिश हो ना, जब बारिश होता है वो ये चीज नहीं देखता, ये गंदा स्थान ये अपवित्र ये पवित्र स्थान नहीं देखता, बारिश बराबर सब जगह पर बराबर रूप में ये बारिश होता है, हाँ बराबर रूप में, इसका मतलब इसलिए भगवान श्याम वर्ण है, बोले ठाकुर जी यद्यपि मैंने अपराध की है लेकिन आपका रंग है श्याम वर्ण, हाँ मेघ मेघ है, मेघ जैसे पवित्र अपवित्र नहीं देखता है, सब स्थान पर बराबर रूप में बारिश करता है, इसलिए प्रभु मैं अपराधी होने पर भी
लेकिन आपको सप्त को तो आप बराबर देखने वाले, इसलिए मेरे ऊपर में आप कृपा करना पड़ेगा, पहला कारण। दूसरा कारण बताए, जो चातक है वो कहीं कहीं का पानी नहीं पीता है, किसी नदी का पानी, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो कौन सा पानी पीता है? स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, स्वाधीन नक्षत्र का। इसलिए ब्रह्मा जी कहते बोले, हे प्रभु, जैसे चातक का जो प्राण है वो मेघ है, क्योंकि जब बारिश ही होगा तभी तो पिएगा, इसलिए लेकिन है वो तभी तो पानी पिएगा। तो उसी तरह यद्यपि मैंने अपराध किया है, इसलिए मैंने एक अपराध ही है, मैं एक अपराध ही हूँ, लेकिन जैसे चातक का जैसे प्राण जैसे मेघ होता है, इसलिए हे प्रभु मैंने अपराध करने पर भी, लेकिन आप कौन हो? जैसे चातक का जीवन आप हो, उसी तरह हे प्रभु हमारे जीवन भी आप ही हमारी जीवन है। कहते ये कारण बताते हैं। कहते तीसरा कारण बताते हैं, कहते मेघ क्या चीज है? कहते जो पानी है उसको कहते जीवन, पानी को कहते हैं ये जीवन, ये पानी है, है? लेकिन ये मेघ कब होता है? जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है, ये पानी जब घनीभूत अवस्था धारण करता है ना, उसका रंग बन जाता है श्याम रंग बन जाता है। इसलिए पानी का एक नाम होता है कृपा, कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। इसलिए भगवान कौन मिले? कृपा के सिंधु, कृपा के सिंधु। ये घनीभूत जो भगवान का रंग का जो मेघ का घनीभूत अवस्था है, कहते कृपा जब घनीभूत अवस्था धारण करता है तब मेघ होता है। इसलिए कहते हे कृष्ण, इसलिए आप श्याम हो, श्याम का मतलब है आप स्वयं कृपा स्वरूप हो, आप कृपा सिंधु हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले श्यामम हिरण्य परिधीम, कहते भगवान के शरीर में जो वस्त्र है, कैसे वस्त्र है? कहते हैं कौन कौन सा वस्त्र है? पीताम्बर वस्त्र है। कहते ये पीताम्बर वस्त्र को क्यों धारण करते हैं? बोले कारण है राधा रानी का जो शरीर का अंग है तप्त कांचना गौरांगी, राधा रानी का अंग कहते ये तप्त पीला रंग है, मानो कृष्ण ये पीले वस्त्र को पहन करके राधा रानी के चरण में अपना प्रेम को प्रकाश कर रहे हैं। और राधा रानी का वस्त्र कैसे है? नील वसना गौरी रूपे गुरु धन्य, उनका रंग है नील वस्त्र है। बोले क्यों? किसलिए नील वस्त्र है? कृष्ण का जो रंग है वो भी नील वस्त्र है। कहते मेघ तो वैसे सुंदर दिखता है, लेकिन जब उसमें बिजली चमकती है ना, बिजली, बिजली का रंग कैसे है? पीत वर्ण है, लेकिन मेघ का और शोभायमान होता है। कहते कृष्ण को कहते आप तो सुंदर है ही हो, लेकिन जब ये पीताम्बर धारण करते है ना, इसमें और भी सुंदरता आपको निखरता है। इसलिए बोले श्यामम हिरण्य परिधीम वर्णमाल वरा, फिर आप कल सुनेंगे उसमें क्यों उनको एक एक उनका जो रूप को वर्णन कर रहे हैं, उनने क्या क्या उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे I don't know.
सकते हैं आप।